मेरा किरदार है पाकिस्तान में, उनका नाम है प्रवीण चतुर्वेदी, साउथ पाकिस्तान से है, हिंदू है, और उसको एक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है, क्या नाम है उनका, माँ का दल, जो इनके ग्रुप का नाम है माँ का दल, माँ का दल, वो उसके जो लीडर हैं वो इसको ब्रेन वॉश कर देते हैं और कन्विंस कर देते हैं कि आप सुसाइड बॉम्बर बन जाएं, क्योंकि पोलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे सारे रिलीजियस लीडर्स साथ में आ रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, तो शांति और अमन नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, वो हमारे लिए अच्छा नहीं, और ये मान जाता है, फिर मिशन पे निकल जाता है बाहर, एंड वहाँ पे अपने आप को मुस्लिम कन्वर्ट करता है, डिस्गाइज करता है कि कोई उसे पहचान नहीं पाए, और मैं ऐसे बॉम्ब करूँ, और उसी जर्नी में समझ में आता है कि बेसिकली हर जो रिलीजन है वो एक ही बात कहता है, वो भी शांति। रोमांस का मतलब क्या होता है? दो भाई प्यार करते हैं। प्यार किस तरह का प्यार? लाइक व्हाट? आगे का कौन सा लेवल बता? आप आइए, आपका नाम क्या है? आप आओ, 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 आपका नाम क्या है? सैफ। सैफ अली खान? जी, सैफ अली खान। अली तो है ना? जी। रोमांस का मतलब? आपको पूछना, आप ही पूछे, आगे का प्यार क्या होता है? कभी कभी बोलेंगे पीछे का प्यार किया आपको, मतलब क्या है? रोमांस का बहुत अलग अलग डेफिनेशन होता है, लेकिन इस फिल्म में कुछ खास और अलग हम देखेंगे, तो वो रितेश और पुलकित हमें बताएंगे जी, तो प्लीज़ सब कुछ बताइए। सब रोमांस है कहाँ इसमें? न्यूज़ तो ऐसी आ रही थी कि कुछ ना कुछ रोमांस होने वाला है फिल्म के अंदर, तो वही हमें जानना है कि सर दो लोग जा रहे हैं सुसाइड वेस्ट पहन के बॉम्ब फोड़ने के लिए, ऑल यू गोना हैव इज अ ब्लास्ट। थैंक यू अली साहब। मैं नॉर्थ पाकिस्तान से आता हूँ, पहाड़ी इलाका है, मैं एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और एक संगठन है अलकाम तमाम, और ये इसको ब्रेन वॉश करती है, सिमिलरली के आप जाकर एक पीस मिशन को, हमें नहीं पता होता कि हम दोनों उसी मिशन के लिए जा रहे हैं, और सुसाइड बॉम्बर बनने की तैयारी होती है, फिर एक ऐसा प्रयास होता है कि क्यों ना हम दूसरे धर्म का धारण करके आगे बढ़ जाए, और उस वजह से वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट अदर रिलीजन जो हमें जानकारी नहीं होती, और वो पढ़ने के बाद फिर एक दूसरे से मिलने के बाद प्रोसेस में ये और महसूस होता है कि यू नो इवेंचुअली कोई भी धर्म मज़हब हो, बात तो एक ही होती है, प्यार भाईचारा, उसकी बुनियाद वही होती है, तो आई थिंक इट्स अ हिलेरियस जर्नी एंड दैट्स व्हाट इट शुड बी।